यह है लेक्टोमीटर जो कि दूध में पानी की मात्रा को बताता है। सबसे पहले हम इसके डिब्बे को खोलते हैं तो हमें एक कांच से बनी हुई नली मिलती है जिसका पिछला हिस्सा मोटा है और आगे का हिस्सा पतला है। इसके आगे के हिस्से में एक कागज रखा हुआ है जो कि दूध में पानी की रीडिंग देता है और दूध में पानी की रीडिंग जानने के लिए हमें लेक्टोमीटर को दूध में डुबोना होता है। अगर लेक्टोमीटर इस लाल निशान तक डूबता है तो दूध 100% शुद्ध है। अगर 1/4 तक डूबता है तो दूध में 25% पानी है। अगर 1/2 तक डूबता है तो 50% पानी है। वहीं अगर 3/4 तक डूबता है तो दूध में 75% पानी है। और अगर लेक्टोमीटर इस काले निशान तक डूब जाता है तो आपने दूध नहीं पानी लिया हुआ है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन क्या यह सच में दूध में पानी की मात्रा बता सकता है? जानने के लिए सबसे पहले मैं एक मेजरिंग सिलेंडर लेता हूँ और इसमें पानी डाल देता हूँ। फिर इस मेजरिंग सिलेंडर में लेक्टोमीटर को भी कुछ इस तरह से डाल देता हूँ। यहाँ पर लेक्टोमीटर मेजरिंग सिलेंडर में पूरा डूब गया है जो कि 100% पानी की मात्रा को दर्शाता है, मतलब कि लेक्टोमीटर काम कर रहा है। अब हम घर का दूध जो कि दूध वाले से खरीदा हुआ है को मेजरिंग सिलेंडर में भर देता हूँ। फिर इसमें जब लेक्टोमीटर को डालता हूँ तो ये दूध में 50% पानी की मात्रा को दर्शाता है, मतलब कि अब की बार हमारे पास है अमूल ताजा दूध जिसके पैकेट को मैं चाकू से काट लेता हूँ और दूध को मेजरिंग सिलेंडर में डाल देता हूँ। फिर जब मैं लेक्टोमीटर डालता हूँ तो लेक्टोमीटर दूध में 0% पानी बताता है, मतलब कि अमूल दूध 100% शुद्ध है। अब की बार मैं 50% दूध और 50% पानी लेता हूँ, फिर लेक्टोमीटर को मेजरिंग सिलेंडर में डालता हूँ तो ये दूध में पानी की मात्रा को 50% ही दिखाता है, मतलब कि लेक्टोमीटर 100% एक्यूरेसी के साथ कार्य कर रहा है। और अगर आप लोग इसे खरीदना चाहते हैं तो इसका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो आपको इस वीडियो में जरूर कुछ खास लगा होगा, इसलिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।